अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आ रहा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। हाय एवरीवन, मैं चांदनी एक बार फिर से मेरे चैनल पे कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है वेजिटेबल चीज टिकिया। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी। आज जो मैं वेज चीज़ आलू टिकिया बनाऊंगी उसके लिए मैंने 6 से 7 आलू लिए हैं। इसे मैश कर लिया अच्छी तरह से। एक कटोरी चॉप किए हुए प्याज, आधा कटोरी चॉप की हुई शिमला मिर्च और एक कटोरी चॉप किए हुए गाजर। आधा चम्मच काला नमक, एक चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो और आधा चम्मच ही चिली फ्लेक्स। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। और अब इसे अच्छी तरह से मिलाकर मैं 10 से 15 मिनट के लिए ढककर फ्रिज में रेस्ट पे रख दूंगी, जिससे कि मसाला थोड़ा सा टाइट हो जाए। और जब तक ये रेस्ट पे है उतनी देर में हम टिकिया की कोटिंग के लिए तैयारी करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिए मैरी गोल्ड बिस्किट 6 से 7 और बीकानेर भुजिया में जो मोटी भुजिया होते हैं वो, इससे हम टिकिया की कोटिंग करेंगे। तो इसे हम मिक्सी के जार में डालकर बारीक पाउडर बना लेंगे। अच्छी तरह पीस कर इसका पाउडर बना लेना। ये इस तरह से मैंने देखिए पाउडर बना लिया। और इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच सूजी। अगर आपको, मैं इसे तवा पे सेकूंगी, अगर आप इसे फ्राई करना चाहो तो ध्यान रखिए कि इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर आप आलू का जो मिक्सचर बना रहे हो उसमें डालें और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में गाढ़ा घोल बनाकर उसमें डिप करके उसके बाद कोटिंग करें। तो ये देखिए, ये मैंने फ्रिज में रखा, उसे आलू पूरे टाइट हो गए हैं। मसाला जो है, ये मैंने चीज़ ली है, ये मैंने 2 टुकड़ों में काटी है। अगर आपको चीज़ कम लेनी है तो आप इसे 4 टुकड़ों में कर लें। और इस तरह से ये मैंने हाथ आलू लिया और इसके ऊपर वापस से थोड़ा सा जो हमारा मसाला है उसे लगा कर कवर कर लेंगे। और इस टिकिया को अच्छी तरह से बना लेना, पूरा सेट कर लेना है चीज़ को पूरा कवर करके। और इसे इस तरह से जो मैंने पाउडर बनाया था पीस कर उसके अंदर अच्छी तरह से कोट कर ले। जितनी टिकिया बने उसको इसी तरह से कोटिंग करके आप सारी टिकिया को बना ले। मैं सारी टिकिया बनाकर और उसके बाद मैं उसे पैन में सेकूंगी। तो ये देखिए इस तरह से पूरी टिकिया मैंने तैयार कर ली है। ये इस तरह से अब मैंने पावर ऑन कर दिया और इन टिकिया को मैं इस पैन में थोड़ा थोड़ा घी डालकर और सेक लूँगी। इसे मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए पहले ढककर सेकूँगी, जिससे कि हमारी चीज़ मेल्ट हो जाए। तो ये चारों तरफ टिकिया के मैं घी डालकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढककर मीडियम फ्लेम में, मीडियम से लो फ्लेम में तो ये चीज़ मेल्ट हो चुकी है और एक साइड से टिकिया सिक चुकी है। अब मैं इस साइड भी घी लगाकर इसे पलट कर सेक लूँगी। इस तरह से 2 से 3 बार हल्के हाथों से इसे पलट कर आप इस तरह से सेक लें। ये सारी टिकिया मेरी सिक चुकी है। इसी तरह से मैंने सारी टिकिया सेक ली है हल्की पलट कर। तो तैयार है हमारी वेज चीज़ आलू टिकिया। इसे आप धनिया की चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। ये देखिए पूरी चीज़ मेल्ट हो गई है।
ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी है। आप ट्राई ज़रूर करें और पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर करें।